हेलो एवरीवन, मेरा नाम है जसमोहन सिंह और मैं एक ट्रैवल एजेंट हूँ। और ये वीडियो है गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ के लिए जो लोग शेंगन वीज़ा अप्लाई करना चाहते हैं। और अगर आप एक नॉर्मल एम्प्लॉई है, किसी प्राइवेट फर्म के लिए काम करते हैं, किसी नॉर्मल कंपनी के लिए काम करते हैं, तो ये वीडियो आपके भी काम की हो सकती है। क्योंकि मोर और लेस गवर्नमेंट एम्प्लॉई हो या प्राइवेट एम्प्लॉई हो, एंड ऑफ द डे एक एम्प्लॉई है और प्रोफाइल ऑलमोस्ट सेम होता है। जो डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट है वो आपको ऑलमोस्ट सेम होती है। इस वीडियो में मेरा स्पेसिफिक टारगेट एक एम्प्लॉई के प्रस्पेक्टिव से वीडियो बनाना है। अगर आप नए हैं और आप शेंगन वीज़ा के बारे में जानना चाहते हैं, तो आप मेरे चैनल पे मेरी बाकी वीडियोस भी चेक कर सकते हैं, जिसपे मैंने शेंगन वीज़ा के बेसिक्स कवर किए हैं कि शेंगन क्या है और इसकी बेसिक डिटेल्स जो आपको जानने की ज़रूरत है वीज़ा अप्लाई करने से पहले। बट फिर भी मैं इस वीडियो में एक बार रिपीट करता हूँ कि अगर आप शेंगन वीज़ा अप्लाई कर रहे हैं, तो आपने एम्बेसी को तीन चीज़ें प्रूव करनी है: अपने जाने का कारण, अपने वापस आने का कारण, और आप अपना खर्चा कैसे करेंगे। आपका जाने का कारण, अगर एक टूरिस्ट वीज़ा है तो आपका जाने का कारण आपका घूमना फिरना होगा कि आप घूमना चाहते हैं। तो उसके लिए जो डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए वो आपको आपका ट्रैवल एजेंट देगा, जैसे आपकी फ़्लाइट टिकट्स, होटल बुकिंग्स, टूर आइटनरी, आपका जो भी ट्रैवल से रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स होंगे, जो ये दिखाएगा कि आपका पर्पस है, आप घूमने के लिए जा रहे हैं, आप इन इन शहर में घूमेंगे, तो वो डॉक्यूमेंट्स आपको अपने ट्रैवल एजेंट की तरफ से मिलेंगे। दूसरा है आपके वापस आने का कारण। आपके वापस आने के कारण में आपकी प्रोफाइल, आप क्या काम करते हैं, आपका प्रोफेशन क्या है, ये चीज़ मैटर करेगी। आपके पास एक स्टेबल जॉब है या नहीं है, ये चीज़ मैटर करेगी। तो उसके लिए हम अपनी जॉब से रिलेटेड सारे डॉक्यूमेंट्स लगाएंगे, जो हमारा एम्प्लॉयमेंट है, अपने एम्प्लॉयर की तरफ से लेटर भी होगा और सब कुछ होगा, जिसको मैं डिटेल में समझाऊंगा। और तीसरी बात है कि हम अपना खर्चा कैसे करेंगे। तो आपका खर्चा आपकी बैंक स्टेटमेंट दिखाएगी कि आपके पास क्या इतने पैसे हैं कि आप शेंगेन कंट्रीज़ में घूम सकें, और क्या आपका लाइफस्टाइल आपको अलाउ करता है कि आप यूरोप जाएं और अपनी छुट्टी मनाएं वहां पर। ये कहने से मेरा मतलब है कि जो आपके बैंक में बैलेंस है, वो आपके बैंक में बैलेंस आपने जस्ट अपनी वीज़ा एप्लीकेशन से पहले मेंटेन किया है, या पिछले 5-6 महीने से, या 3 महीने से, 4 महीने से आपके पास कंसिस्टेंट बैलेंस होता है या नहीं होता। इसीलिए एम्बेसी बैंक स्टेटमेंट मांगती है और बैलेंस सर्टिफिकेट नहीं मांगती। और कुछ ऐसे लोग होते हैं जो शेंगेन कंट्रीज में जाना चाहते हैं, बट वो किसी को विजिट करने के लिए, किसी अपने रिश्तेदार बेटे को या किसी अपने पेरेंट्स को मिलने के लिए जाना चाहते हैं, उनका पर्पस घूमना फिरना नहीं है, तो उस केस में हम उस कैटेगरी को विजिटर वीजा बोल देते हैं। बट विजिटर वीजा और टूरिस्ट वीजा सेम ही होता है, उसका प्रोसेस, उसकी डॉक्यूमेंटेशन तकरीबन सेम है। बस आपके जो ट्रैवल के डॉक्यूमेंट्स है, वो ट्रैवल के डॉक्यूमेंट्स में ट्रैवल एजेंट की आइटनरी और होटल बुकिंग नहीं लगेगी। आपके जो भी फैमिली मेंबर है, या आपके जो भी फ्रेंड है, या जिनको भी आप विजिट करेंगे, उनके डॉक्यूमेंट्स लगेंगे कि आप उनके पास जा रहे हैं, उनको विजिट करेंगे। तो अभी शुरू से शुरू करते हैं, बिल्कुल स्टार्टिंग से। सबसे पहले तो आपको अपना पासपोर्ट चाहिए, और पासपोर्ट आपका 6 महीने वैलिड होना चाहिए। मतलब जो आपके पासपोर्ट की एक्सपायरी डेट है, और आज की डेट में, जिस डेट में आप अप्लाई करेंगे, उस डेट में कम से कम 6 महीने का गैप होना चाहिए। तो अगर आपका पासपोर्ट एक्सपायर होने वाला है, तो आप पहले पासपोर्ट को रिन्यू कराएं, उसके बाद वीज़ा अप्लाई करें। उसके बाद है ट्रैवल इंश्योरेंस। आप जिस भी कंट्री में रुकेंगे, आपको उस कंट्री में अगर कुछ हो जाता है, कोई अनहोनी हो जाती है, मिस हैपनिंग हो जाती है, तो उस केस में आपकी देखरेख और आपका जो खर्चा होगा, वो उस कंट्री की गवर्नमेंट नहीं करेगी, आपकी इंश्योरेंस कंपनी करेगी। इसलिए आपको ट्रैवल इंश्योरेंस बहुत ज़रूरी है। और वैसे भी अगर आप इंडिया से बाहर कहीं भी ट्रैवल करें, तो ट्रैवल इंश्योरेंस करा लें, क्योंकि इंडिया के बाहर इलाज का खर्चा काफ़ी ज़्यादा हो सकता है। और फिर आपको चाहिए अपना एम्प्लॉयमेंट का प्रूफ। आप जो भी जॉब करते हैं, आपको उसका प्रूफ देना होगा। तो अगर आप गवर्नमेंट एम्प्लॉई हैं, तो आपके पास अपना आईडी कार्ड होगा, जो आपके डिपार्टमेंट की तरफ से इशू किया गया होगा, तो उसकी एक कॉपी आप लगाएं। और जो भी डॉक्यूमेंट्स आप लगाएंगे सिवाय अपने पासपोर्ट के, वो सभी आप कॉपीज लगाएं, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट ना दें, क्योंकि कोई भी डॉक्यूमेंट एक बार एम्बेसी चला गया तो वो वापस नहीं आएगा, सिर्फ आपका पासपोर्ट आएगा वीजा लगने के बाद। आईडी कार्ड के अलावा आपको अपने डिपार्टमेंट से, अपने ऑफिस से एक एनओसी चाहिए होगी। एनओसी का मतलब होता है नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट। ये आपको अपने डिपार्टमेंट के या अपने ऑफिस के लेटर हेड पे लिखवाना है। अपनी जो भी अथॉरिटी है, आपके जो भी बॉस है, उनका स्टैंप और साइन इस पे होना चाहिए। और आप इसमें एक चीज़ का ध्यान रखें कि उस लेटर पैड पे जो कॉन्टैक्ट नंबर दिया है, उस पे कॉन्टैक्ट हो सके, ताकि वो वेरीफाई कर सके कि ये जो एनओसी इशू हुआ है, ये जेन्युइन है या नहीं है। और इस बात का ध्यान रखें कि एनओसी के अंदर आपकी ट्रैवल डेट्स जरूर लिखी गई हो, और ये भी बात मेंशन की गई हो कि आपकी जो ट्रैवल डेट्स हैं, आपको इसके लिए छुट्टी ग्रांट कर दी गई है। अगर ये चीज़ आपकी एनओसी में मेंशन नहीं की गई है, तो आप एक लीव सैंक्शन या फिर लीव लेटर जरूर लगाएं साथ में, जिसमें आपकी डेट्स लिखी गई हो और ये स्पेसिफिकली मेंशन किया गया हो कि आपको छुट्टी मिल चुकी है। अगर ये बात आपके एम्प्लॉयर की तरफ से नहीं लिखी गई है, तो आपको वीज़ा नहीं मिलेगा, चाहे आप प्राइवेट एम्प्लॉई हैं
या चाहे आप गवर्नमेंट एम्प्लॉई है, ये चीज़ ज़रूरी है कि आपको छुट्टी मिल चुकी है। और इसके अलावा आपको चाहिए अपनी सैलरी स्लिप्स। सैलरी स्लिप्स पे आपकी कंपनी का नाम लिखा हो, आपका नाम लिखा हो, आपकी सैलरी और उसकी डेट ज़रूर लिखी गई हो। आप अपनी पिछले 6 महीने की सैलरी स्लिप्स अपनी एप्लीकेशन के साथ लगा सकते हैं। और जिस अकाउंट में आपकी सैलरी आती है तो उस अकाउंट की आप स्टेटमेंट भी लगा सकते हैं, जो आपका सैलरी अकाउंट है। और अगर आपकी सैलरी कैश में आती है तो आप एक कवरिंग लेटर के अंदर ये चीज़ ज़रूर मेंशन कर दें कि मेरी सैलरी कैश में आती है, इसलिए मैंने अपने सैलरी अकाउंट की स्टेटमेंट नहीं लगाई। और आपको चाहिए होगा अपना फॉर्म 16 और ITR। कुछ लोगों का ये क्वेश्चन होता है कि फॉर्म 16 जब हमारे पास है, हमारे पास ये प्रूफ है कि हमने टैक्स भरा है, तो हम अपनी ITR क्यों लगाए। तो ITR का मतलब होता है जो आपकी ग्रोस टोटल इनकम है, वो चीज़ उसमें मेंशन की गई होती है। ज़रूरी नहीं है कि अगर आप इम्प्लॉई हैं तो आपको अपनी जॉब के अलावा कहीं और से इनकम नहीं होगी। हो सकता है आपके पास कोई रेंटल इनकम हो सकता है आपने कोई म्यूचुअल फंड्स, कोई स्टॉक्स, कुछ भी आपके पास कोई किसी और तरह की इनकम हो सकती है, आपके पास कोई एग्रीकल्चरल इनकम हो सकती है। तो ITR में जो इनकम होगी वो आपकी ग्रोस टोटल इनकम होगी, जिससे एम्बेसी को ये पता लग पाएगा कि ये बंदा जॉब करता है और इसके अलावा इनसे जॉब के अलावा एडिशनल इनकम भी है। तो इसलिए आपकी ITR भी ज़रूरी है। अगर आपके पास एडिशनल इनकम है तो आप अपनी ITR ज़रूर लगाएं। और मोस्टली शेंगन कंट्रीज़ के लिए पिछले 2 साल की ITR इनफ होती है। आपके पास अपनी जॉब के अलावा कुछ एडिशनल इनकम है तो उस चीज़ को आप उसको प्रूव करना आपको ज़रूरी है। सिर्फ आप ये बात मेंशन नहीं कर सकते कि मेरे पास रेंटल इनकम है, मेरे पास इतनी इनकम है, आपको उसका वैलिड प्रूफ दिखाना पड़ेगा। अगर आपके पास कोई रेंटल इनकम आती है तो आप उसका रेंट एग्रीमेंट दिखाएं। अगर आपके पास कोई ज़मीन है जो आपने ठेके पे दी हुई है तो उसका भी आपका जो ठेके का टेंडर बना होगा या जो भी आपका डॉक्यूमेंट होगा, लीगल डॉक्यूमेंट आपको लगाना पड़ेगा। अगर आपका कोई भी डॉक्यूमेंट हिंदी में है तो आप उसको ट्रांसलेट कराएं इंग्लिश में और नोटराइज करा के उसको फिर अपनी एप्लीकेशन के साथ अटैच करें। अगर आपके पास एग्रीकल्चरल इनकम है, आपके पास जे फॉर्म्स हैं, तो जे फॉर्म भी आपको ट्रांसलेट कराने पड़ेंगे अगर वो हिंदी में है। और हर वो डॉक्यूमेंट जिसके ऊपर कोई स्टैंप नहीं है, जिसको एम्बेसी वेरीफाई नहीं कर सकती, उसको आप नोटरी से अटेस्ट करके फिर अपनी एप्लीकेशन के साथ अटैच करें। ये बात आपको क्लियर होनी चाहिए कि ये सारे डॉक्यूमेंट्स जो हम लगा रहे हैं उनका यही पर्पस है कि हम एम्बेसी को प्रूव करना चाहते हैं कि हमारा लाइफस्टाइल ऐसा है, हम अफोर्ड कर सकते हैं कि हम यूरोप में, हम शेंगेन एरिया में अपनी छुट्टियां मना सकें। तो अगर आपके पास कोई भी ऐसा डॉक्यूमेंट है जो इस चीज़ में, इस एम में आपको सपोर्ट कर सके, जैसे आपके पास कोई सेविंग है, अगर आपके पास कोई FD है तो आप FDR नाम का एक डॉक्यूमेंट आपको बैंक से मिलेगा, FD रिसिप्ट, जिस पे बैंक का स्टैंप और साइन होगा, आप वो डॉक्यूमेंट भी एम्बेसी में दे सकते हैं, अपनी फाइल के साथ लगा सकते हैं, जिससे ये पता लगेगा कि आपके पास ये सेविंग है। एक बहुत कॉमन क्वेश्चन है जो लोग पूछते हैं, जो मेरे भी दिमाग में था और बहुत ऑब्वियस लगता है, कि क्या हम अपने प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट्स लगा सकते हैं। तो प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट्स शेंगेन कंट्रीज एक्सेप्ट नहीं करती। जिन लोगों के पास ज़मीन होती है वो ये क्वेश्चन करते हैं कि जब हमारे पास ज़मीन है, ये हमारा सॉलिड डॉक्यूमेंट है, तो हम ये एम्बेसी में क्यों नहीं लगा सकते। तो इस बात का लॉजिक जो मेरे दिमाग में है वो ये है कि आपकी ज़मीन चाहे जितनी भी हो उतनी ही रहेगी, आप चाहे फ्रांस में रहें, चाहे स्विट्ज़रलैंड में रहें, चाहे जर्मनी में रहें, और उसकी वैल्यू बढ़ेगी ही, घटेगी नहीं। तो इसलिए आपके पास ज़मीन है या नहीं है, इससे कोई एश्योरेंस एम्बेसी को नहीं मिलती कि आप वापस आएंगे या नहीं आएंगे। और दूसरी चीज़ जो मैं सोचता हूँ वो ये है कि एम्बेसी सिर्फ यही देखना चाहती है कि क्या आप अफोर्ड कर सकते हैं, क्या आपके पास इतनी सेविंग्स या इतनी इनकम आपके पास है कि आपका लाइफस्टाइल आपको अलाउ करेगा कि आप अपनी यूरोप में छुट्टियां बनाएं। बट अगर फिर भी आप अपना प्रॉपर्टी को दिखाना चाहते हैं या आप ये चीज़ मेंशन करना चाहते हैं कि मेरे पास इतनी प्रॉपर्टी है, तो आप अपने CA से, चार्टर्ड अकाउंटेंट से एक नेट वर्थ रिपोर्ट बनवा सकते हो। नेट वर्थ रिपोर्ट में आपका चार्टर्ड अकाउंटेंट आपके टोटल एसेट्स, मूवेबल इमूवेबल एसेट्स, जो भी आपके पास प्रॉपर्टी है, गाड़ियाँ हैं, कोई गोल्ड है, कोई सेविंग है, टोटल आपके पास जो कुछ भी है उसका एक ग्रैंड टोटल बना के, एक अमाउंट बना के लिख देगा कि आपकी वर्थ इतनी है। तो वो डॉक्यूमेंट इस चीज़ को प्रूव कर पाएगा कि आपके पास इतनी प्रॉपर्टी है। मैक्सिमम बातें जो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ ये मेरे पर्सनल ओपिनियंस है या मेरे एक्सपीरियंस पे बेस्ड है, ये किसी भी एम्बेसी की वेबसाइट पे ऐसी बातें नहीं लिखी हैं। किसी भी एम्बेसी या VFS की तरफ से ये रिक्वायरमेंट नहीं है कि आप अपने CA की तरफ से एक नेट वर्थ सर्टिफिकेट लगाएं। ये ऑप्शनल डॉक्यूमेंट्स है। ऐसा कोई भी डॉक्यूमेंट जो आपकी अफोर्डेबिलिटी को प्रूव करता है, जो आपकी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को प्रूव करता है, वो डॉक्यूमेंट आप लगा सकते हैं। उसके बाद जो मेन चीज़ है, आपको अपनी बैंक स्टेटमेंट लगानी होगी। और बैंक स्टेटमेंट मोस्ट कंट्रीज में 3 महीने की बैंक स्टेटमेंट चल जाती है। और बैंक स्टेटमेंट पे स्टैंप और साइन होना बहुत जरूरी है आपके बैंक की तरफ से। इवन अगर आप अपनी नेट बैंकिंग में से स्टेटमेंट का प्रिंट निकाल रहे हैं तो भी आप उसको बैंक से स्टैंप या साइन करें। और मोस्ट इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट जिस पे आपने सबसे ज्यादा गौर करना है, आपका कवरिंग लेटर। आपका कवरिंग लेटर आपकी तरफ से एक एप्लीकेशन होगी अथॉरिटीज को, वीजा ऑफिसर को, जिसमें आप ये बात एक्सप्लेन करेंगे कि आप उनसे क्या चाहते हैं।
आप टूरिस्ट वीज़ा चाहते हैं, किस डेट से किस डेट ट्रैवल करना चाहते हैं, आपके वापस आने का कारण क्या है, आप क्या करते हैं, या जो भी आपकी एप्लीकेशन से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन है वो आप अपने कवरिंग लेटर में मेंशन करते हैं। और कवरिंग लेटर में ये ध्यान रखें कि कवरिंग लेटर ना तो बहुत ज़्यादा लंबा हो, 4-5 पेज का भी ना हो, और ना ही बहुत ज़्यादा छोटा हो, सिर्फ 2 लाइन में आप उसको ख़त्म करें। कवरिंग लेटर में कम शब्दों में ज़्यादा से ज़्यादा बात आपको एक्सप्लेन करनी है, उसको प्रॉपरली आपकी पूरी बात उसमें कन्वे होनी चाहिए। ध्यान रखें कि एम्बेसी में आप नहीं जाएंगे, टूरिस्ट वीज़ा के लिए इंटरव्यू बहुत कम आते हैं, बहुत रेयर आते हैं। जो भी आपकी बात है, आपके डॉक्यूमेंट्स नहीं एम्बेसी को बतानी है, तो इस चीज़ का ध्यान रखें कि आपके कवरिंग लेटर से आपका केस बिल्कुल क्लियर, क्रिस्टल क्लियर समझ आ रहा हो। अगर वीज़ा ऑफिसर सबसे पहले आपका कवरिंग लेटर पढ़ ले तो उसको सारी बात समझ में आ जाए कि आपका केस क्या है, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपने लगाए हैं, क्या आपका प्रोफाइल है, कब जाएंगे, कब वापस आएंगे, कौन कौन सी कंट्री विजिट करेंगे। अपने कवरिंग लेटर में ये बात जरूर मेंशन करें कि आपके इस ट्रिप का खर्चा कौन करेगा। अगर आप खुद करेंगे तो आप ये बात मेंशन करेंगे कि आप इस ट्रिप का खर्चा करेंगे, और ये बात भी ज़रूर मेंशन करें कि आप टाइमली वापस आएंगे। और भी चीज़ें मेंशन कर सकते हैं, जैसे कौन कौन सी कंट्रीज आपने पहले विजिट की हैं, या कोई भी बात जिससे आपको लगता है कि वीज़ा ऑफिसर के दिमाग पे ये इम्पैक्ट पड़ेगा कि आपका जेन्युइन लेजिट केस है और आप वापस आएंगे। और मैं आपको ये रिकमेंड करूँगा कि आपका जो कवरिंग लेटर है वो पर्सनलाइज्ड हो, कस्टमाइज्ड हो, या तो आपने खुद लिखा हो या आपने किसी प्रोफेशनल से लिखवाया हो। अवॉइड करें कि आप उस कवरिंग लेटर को गूगल से कॉपी पेस्ट ना करें। जो स्टैंडर्ड फॉर्मेट है, जो सदों सदाई चला आ रहा है, उसको देखते ही कोई भी बंदा उसको देखेगा, जो गूगल पे लिखे हुए फॉर्मेट है, अगर मैं भी उसको देखूंगा मैं समझ जाता हूँ कि गूगल से कॉपी पेस्ट है, इस पर आपने कोई एफर्ट नहीं लगाया। अगर थोड़ा पर्सनलाइज्ड कवरिंग लेटर हो तो मेरा ये मानना है कि उसको एटलीस्ट एक बार वीज़ा ऑफिसर पढ़ेगा कि इसमें बात लिखी क्या है। और अगर आप कोई ऐसा डॉक्यूमेंट लगा रहे हैं जो एम्बेसी की चेकलिस्ट में मेंशन नहीं किया गया है, या मैंने इस वीडियो में नहीं बोला है, या फिर कोई ऐसा डॉक्यूमेंट है कि जो लगाना ज़रूरी है बट आपके पास नहीं है, तो उसकी एक्सप्लेनेशन भी आप अपने कवरिंग लेटर में लिख दें कि ये डॉक्यूमेंट मेरे पास इसलिए नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, जब मैंने अपना पहली बार शेंगन वीज़ा अप्लाई किया था तो मेरे पास उस टाइम पर अपना पर्सनल सेविंग अकाउंट नहीं था, मैं अपने ज्वाइंट अकाउंट से या अपने फैमिली के अकाउंट से ट्रांजेक्शन करता था। तो ये बात मैंने अपने कवरिंग लेटर में मेंशन करी थी कि मेरे पास जो सेविंग अकाउंट नहीं है, इसलिए मैं उसकी स्टेटमेंट नहीं लगा सकता। और उसके अलावा आपको अपनी पर्सनल 2 फोटोज लगानी है, व्हाइट बैकग्राउंड के साथ बिल्कुल क्लियर फोटो होनी चाहिए, और अराउंड 80% 60-80% के बीच में आपके फेस की विजिबिलिटी होनी चाहिए। फोटो की स्पेसिफिकेशन आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं। ये जो डॉक्यूमेंट्स अब तक आपको मैंने बताए हैं, ये वो डॉक्यूमेंट्स हैं जो आपको खुद तैयार करने हैं, जो आपकी तरफ से लगेंगे। जो बाकी के डॉक्यूमेंट्स हैं उसमें आपको आपका ट्रैवल एजेंट हेल्प करेगा। जैसे आपका वीज़ा फॉर्म है, वो वीज़ा फॉर्म आपको ट्रैवल एजेंट भर के देगा। उसके अलावा आपको एम्बेसी की अपॉइंटमेंट चाहिए होगी, VFS की अपॉइंटमेंट चाहिए होगी फाइल सबमिशन के लिए और बायोमेट्रिक्स के लिए, तो वो आपको अपॉइंटमेंट भी आपका ट्रैवल एजेंट दिलवा देगा। और अगर आप टूरिस्ट वीज़ा अप्लाई कर रहे हैं तो टूरिस्ट वीज़ा के लिए आपको अपनी ट्रैवल आइटनरी चाहिए होगी। ट्रैवल आइटनरी का मतलब होता है आपका डे बाय डे शेड्यूल कि आप उस कंट्री में क्या करेंगे। अगर आप 7 दिन रहेंगे तो आपका day 1 पे क्या प्लान है, day 2 पे क्या प्लान है, day 3 पे क्या प्लान है, तो ये डॉक्यूमेंट भी आपको अपने ट्रैवल एजेंट की तरफ से मिल जाएगा। इसमें आप ध्यान रखें कि आपकी आइटनरी के ऊपर ट्रैवल एजेंट का कॉन्टैक्ट नंबर दिया हो, और आपकी जो होटल बुकिंग्स और फ्लाइट बुकिंग्स होगी वो भी आपको ट्रैवल एजेंट देगा। कोशिश करें कि ट्रैवल एजेंट अपना कॉन्टैक्ट नंबर उसके ऊपर मेंशन करे, और वो एक आईटा क्वालिफाइड या आईटा एक्रेडिटेड ट्रैवल एजेंट हो, क्योंकि हमारे पास अक्सर एम्बेसी की तरफ से कॉल आ जाती है जिसमें एम्बेसी हमें होटल का बुकिंग नंबर या रेफरेंस नंबर देता है और हमसे पूछता है कि ये रेफरेंस नंबर है, आप बताइए कि ये कौन कस्टमर है, इसकी कब का ट्रैवल है, कितने पैसे आपके पास आ चुके हैं, बुकिंग कन्फर्म है या नहीं है। लोग ऐसा कहते हैं कि बुकिंग कन्फर्म होना ज़रूरी नहीं है, बट हमारे पास एम्बेसी की तरफ से खुद कॉल आती है और वो वेरिफिकेशन करते हैं, अक्सर करते हैं। और ये रेफरेंस नंबर है जो हम बुकिंग के ऊपर मेंशन करते हैं, वो सिर्फ हमें रेफरेंस नंबर बताते हैं, इवन हमें ये भी नहीं बताते कि पैसेंजर का नाम क्या है। तो वो सारी चीज़ें भी हमें अपने एंड से कन्फर्म करनी होती हैं। तो कोशिश करें जो भी आपका ट्रैवल एजेंट है वो अपना कॉन्टैक्ट नंबर, एक रेफरेंस नंबर मेंशन करे, और उसको बोलिए कि इस चीज़ का ध्यान रखे कि अगर एम्बेसी से कॉल आए तो वो वेरिफिकेशन सारी आपका ट्रैवल एजेंट करवाएगा। मैंने मेजॉरिटी डॉक्यूमेंट्स इस वीडियो में कवर कर दिए हैं जो आपको चाहिए। हो सकता है 1-2 डॉक्यूमेंट कोई मैंने मिस कर दिया हो जो आपको शेंगन वीज़ा के लिए चाहिए एज अ गवर्नमेंट एम्प्लॉई, बट अगर ऐसा हुआ तो मैं इस वीडियो का part 2 बना दूंगा। और अगर ऐसी कोई बात हो जो आपको लगता है कि आपको जानना चाहते थे, आपको क्लियर नहीं हो पाई, आपको कन्फ्यूजन है, या आपका कोई और क्वेश्चन है इससे रिलेटेड, तो आप मेरे को कमेंट करें या ईमेल करें, या इस वीडियो के कॉन्टैक्ट डिटेल्स पे कॉन्टैक्ट करके आप हमें बता दें कि ये चीज़ के ऊपर आपको डाउट है, तो उसके लिए मैं एक सेकेंड वीडियो बना दूंगा। तो अब डॉक्यूमेंट्स के बाद बात करते हैं कुछ क्वेश्चंस की, जो कॉमन क्वेश्चंस है जो मुझे मेरे सब्सक्राइबर्स के थ्रू और मेरे कस्टमर्स के थ्रू आए। एंड स्पेशल थैंक्स टू हरगुन सिंह सर फ्रॉम इंडियन एयरफोर्स, जिन्होंने मुझे इस वीडियो के लिए रिक्वेस्ट किया।
और कुछ क्वेश्चंस की अब बात करते हैं वन बाय वन। पहला क्वेश्चन है कि सैलरी कितनी होनी चाहिए। तो घूम घुमाकर बात वहीं पे आ जाती है कि हमें एम्बेसी को प्रूव करना है कि हम वापस आएंगे। तो जिस बंदे की सैलरी यूरोप की मिनिमम वेज से भी कम है या जिस उनके स्टैंडर्ड के हिसाब से जिसकी सैलरी कम है, तो उसको वो वीज़ा देने से पहले ऑब्वियसली सोचेंगे। अब यूरोप जाने के लिए जो खर्चा होता है, आप मान के चलो कि 1.5-2 लाख कम से कम खर्चा, 1.25 लाख, 1.5 लाख, 2 लाख, डिपेंड करता है आपके ऊपर, इतना खर्चा तो हो ही जाता है। तो अगर आपकी सालाना इनकम ही 2 लाख, 2.5 लाख, 3 लाख है, 4 लाख है, तो आप अपनी आधी से ज़्यादा इनकम या अपनी पूरी इनकम यूरोप में तो लगा के आएंगे नहीं, तो फिर आप यूरोप कैसे जाएंगे? तो फिर इस केस में आपको वीज़ा मिलना मुश्किल हो जाएगा, अनलेस एंड अनटिल कोई बंदा आपको स्पॉन्सर कर दे, कोई आपकी जिम्मेवारी ले ले कि आप वापस आएंगे। वो स्पॉन्सर करने वाला, आपको बुलाने वाला कोई यूरोप से भी हो सकता है, और वो स्पॉन्सर करने वाला कोई आपका भाई बहन, कोई आपका मदर फादर या आपके बच्चे इंडिया से भी हो सकते हैं। सेकंड क्वेश्चन है कितने फंड्स होने चाहिए। मैंने देखा है कि कुछ लोग इंटरनेट पे कहते हैं कि आपका जितना खर्चा होगा उससे डबल फंड्स होने चाहिए, इतने फंड्स होने चाहिए, ऐसा कोई कुछ रूल नहीं है। आपके अकाउंट में एटलीस्ट इतने फंड्स तो हो कि आप अपना खर्चा दिखा सके। तो यूरोप के लिए आप खर्चा एक अंदाज़ा मान सकते हैं कि 40-50 हज़ार की टिकट होती है इन रूटीन। अभी कोरोना के बाद क्या होगा वो मैं नहीं जानता, और एक दिन का खर्चा वहाँ पे 10 हज़ार रुपया, तो आप मान के चलो अगर आप ठीक ठाक होटल पे रुक रहे हो, खाना पीना कर रहे हो और घूम रहे हो, तो एक दिन का 10 हज़ार खर्चा मान के तो चलो, तो अगर आपकी 5 दिन की ट्रिप है या आपकी 7 दिन की ट्रिप है, तो आप 70 हज़ार रुपये पर पर्सन खर्चा मान के चलो, अकोमोडेशन का और टूर्स का और जो भी आप वहाँ पे एक्टिविटीज़ करेंगे, 40-50 हज़ार रुपये आप अपने टिकट का मान के चल सकते हैं। तो उस हिसाब से आपको, अगर जितने भी लोग जा रहे हैं, आपका खर्चा प्लस कुछ एडिशनल फंड्स होने चाहिए, जिससे ये लग सके कि आपके पास सफिशेंट पैसे हैं अपना टूर पूरा करने के लिए। तीसरा क्वेश्चन है कि इंडियन आर्मी में या फिर पुलिस में या फिर बहुत सारे डिपार्टमेंट्स में रैंक का सिस्टम होता है, तो किस रैंक वाले बंदे के साथ कैसा रहता है, मतलब किस रैंक में वीज़ा आने का चांस ज़्यादा है या किस रैंक का क्या फॉर्मेलिटी है, कैसे अप्लाई करें? तो आपको ये बात समझने की ज़रूरत होगी कि रैंक है, मैं समझ गया, पर उससे रैंक से ज़्यादा ज़रूरी है आपकी इनकम। तो रैंक के साथ इनकम भी चेंज होगी, और अगर आपकी इनकम हाई है तो आपका वापस आने का चांस ज़्यादा है। प्लस गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ को ये बेनिफिट है कि लोग गवर्नमेंट जॉब को सेफ समझते हैं, गवर्नमेंट जॉब को प्रेफरेंस दी जाती है, एक अच्छी चीज़ समझा जाती है गवर्नमेंट जॉब। तो जो आदमी के पास गवर्नमेंट जॉब है, उसको ऑलरेडी वो अपने आप को सेटल्ड फील करेगा, या एटलीस्ट उसको सोसाइटी में हम सेटल्ड कहेंगे, ये सेटल्ड आदमी है, उसका वापस आने का चांस ज़्यादा है। कोई बंदा अपनी सरकारी नौकरी छोड़ के किसी बाहर दूसरे देश में रहेगा, उसका चांस काफ़ी कम है, इसलिए गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ को इस चीज़ का बेनिफिट होता है। प्लस अगर आपकी रैंक हाई है तो आपकी सैलरी भी हाई होगी, तो आपको उस चीज़ का भी बेनिफिट होगा। और अगला क्वेश्चन है ट्रैवल हिस्ट्री, हमें कितनी ट्रैवल हिस्ट्री चाहिए। तो अगेन ट्रैवल हिस्ट्री इम्पोर्टेंट है। अगर आप 10 कंट्रीज में गए तो 10 कंट्रीज से आप वापस आए हैं, तो आपका चांस ज़्यादा है कि आप 11वीं कंट्री में जाएंगे तो वहाँ से भी वापस आएंगे। या अगर आपने 4 देश भी पहले घूमे हैं, तो एटलीस्ट उनके पास ये थोड़ा सा चांस तो उनको है कि ये बंदा पहले घूमा था और वापस आया। और ये भी डिपेंड करता है कि आप कैसी कंट्री में गए हैं। अगर आप पहले US में गए हैं, कनाडा में गए हैं, तो यूरोप आप जा रहे हैं, तो आपको बहुत बेनिफिट होगा। उनको एटलीस्ट ये तो उनको शक नहीं होगा कि ये बंदा वहाँ पे रह तो नहीं जाएगा। बाकी फैक्टर्स वो चेक करेंगे कि आपके पास खर्चे लाइक फंड्स हैं या जो कुछ भी उनकी फॉर्मेलिटीज़ हैं। बट ये एक थोड़ा सा आपको पॉजिटिव फैक्टर मिल जाएगा कि आप एक अच्छी कंट्री में ट्रैवल्ड है। बट ट्रैवल हिस्ट्री बहुत ज़्यादा ज़रूरी नहीं है। अगर आपके पास अच्छी जॉब है, अच्छी सैलरी है, इनकम आपकी अच्छी है, तो आपका चांस वापस आने का ऑलरेडी ज़्यादा है, तो आपको वीज़ा मिल सकता है। और मैंने अपने चैनल पे एक वीडियो भी डाली है जिसमें बिना ट्रैवल हिस्ट्री के लोगों को वीज़ा मिले हैं, शेंगेन वीज़ा मिले हैं, आप वो वीडियो भी चेक कर सकते हो। और एक क्वेश्चन जो कॉमनली मेरे से पूछा जाता है कि गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ को NOC मिलना थोड़ा मुश्किल होता है, तो क्या इसका कोई ऑल्टरनेट है? तो अगर आप एम्प्लॉई हैं, तो एक एम्प्लॉई को कंपनी से परमिशन लेना या जिसके लिए भी वो काम करते हैं उससे परमिशन लेना बहुत ज़रूरी है। तो आपका चांस बिना NOC के ट्रैवल करने का आप मान के चलो कि ना के बराबर है। अगर बिना NOC के आप ऐसे एम्प्लॉई अप्लाई करोगे तो आपको वीज़ा मिलने का चांस बहुत बहुत कम है। तो ये तो थे कुछ कॉमन क्वेश्चंस जो लोग मेरे को पूछते हैं। अगर आपके पास कोई ऐसे क्वेश्चन है जो मैंने नहीं कवर किया, आप मुझे सेंड कर दें। अब मेरी तरफ से कुछ इंपॉर्टेंट सजेशंस जो मैं आपको देना चाहूँगा कि एक तो आप अपने डॉक्यूमेंट्स को नोटरी करा सकते हैं, नोटरी अटेस्ट करा सकते हैं। शेंगेन वीज़ा के रिजेक्शन में एक पॉइंट ये भी आता है कि आपके डॉक्यूमेंट्स जो आपने प्रोवाइड किए थे वो रिलायबल नहीं थे। तो अगर आपने डॉक्यूमेंट नोटरी कराया तो उसका मतलब ये है कि नोटरी वाले बंदे ने आपके डॉक्यूमेंट को वेरीफाई किया है कि ये ओरिजिनल की कॉपी है, तो उसमें रिलायबिलिटी का चांस ज़्यादा हो जाएगा। और अगर आपका कोई डॉक्यूमेंट हिंदी में है तो ऑब्वियसली आपको उसको इंग्लिश में भी ट्रांसलेट कराना पड़ेगा। और एक और चीज़ मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि अगर आपकी ट्रैवल डेट विद इन 3 मंथ्स है,
तभी आप वीजा अप्लाई करें। 3 महीने से आगे की डेट है तो अभी आप वीजा ना अप्लाई करें, वीजा रिजेक्ट हो जाता है। और एक लास्ट सजेशन जो मैं ऑलमोस्ट अपनी हर वीडियो में देता हूँ कि आप शेंगेन वीजा खुद से अप्लाई कर सकते हैं, बहुत इजी है। कुछ डॉक्यूमेंट इकट्ठे करने हैं और कुछ फॉर्म भरने हैं और वीजा अप्लाई हो जाएगा। मगर अगर आप इसको पहली बार अप्लाई कर रहे हो तो बहुत चांस है आप कोई ना कोई गलती कर दोगे। अगर आप किसी ट्रैवल प्रोफेशनल की हेल्प लोगे तो डॉक्यूमेंटेशन में गलती का चांस कम होगा। मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि अगर आप अफोर्ड कर सकते हो तो आप एक ट्रैवल प्रोफेशनल को जरूर इन्वॉल्व करें अपनी फाइलिंग प्रोसेस में, और ट्रैवल प्रोफेशनल से भी फाइल कंप्लीट कराने के बाद उसको खुद से चेक करें। आपको भी अंडरस्टैंडिंग होगी, अगली बार आप खुद से अप्लाई कर सकते हैं, बट पहली बार आप पंगा ना लें। अगर आप किसी ट्रैवल प्रोफेशनल से अप्लाई कराएं तो ये अच्छा होगा। कोई ज़्यादा फीस नहीं होती, 4-5 हज़ार रुपये चार्ज करते हैं। नॉर्मल कस्टमर से हम अराउंड 5 हज़ार रुपये चार्ज करते हैं हमारा सर्विस चार्ज, जिसमें हम आपको ट्रैवल की बुकिंग्स, आइटनरी, कवरिंग लेटर, आपका फॉर्म भर के देंगे, वीज़ा की अपॉइंटमेंट लेके देंगे। पर जो भी एक्सपेंस होगा, अगर कोई वीज़ा की फ़ीस पे करनी है या कोई भी डॉक्यूमेंट आपका कोई प्रिपेयर कराना है, जैसे आपका ट्रैवल का इंश्योरेंस बनेगा तो इंश्योरेंस की फ़ीस, वो सारी चीज़ें आप पे करेंगे। 5 हज़ार रुपये हमारा सर्विस चार्ज है। और अगर आप एक फ़ौजी हैं तो हम आपसे सिर्फ 3 हज़ार रुपये चार्ज करेंगे। ट्रैवल प्रोफेशनल्स और वीज़ा कंसल्टेंट्स अपनी रूटीन में यही काम करते हैं, डेली यही काम करते हैं, वीज़ा अप्लाई करते हैं। जो परफेक्शन से काम वो कर सकते हैं और जितनी एफिशिएंसी से वो लोग काम कर सकते हैं, आप और मैं उतनी एफिशिएंसी से काम नहीं कर सकते। अगर मैं भी अपने किसी वीज़ा के स्टाफ के साथ बैठ के शेंगेन वीज़ा का फॉर्म भरता हूँ तो वो स्टाफ मेरे से पहले फॉर्म भर देगा, क्योंकि उसका वो रोज का काम है और उसमें गलती का चांस भी कम होगा। तो अगर आप अपना शेंगेन वीज़ा हमारे थ्रू अप्लाई कराना चाहते हैं तो नीचे दिए गए कॉन्टैक्ट डिटेल्स पे आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। हमें बहुत खुशी होगी अगर आप हमें सेवा का मौका दें। और अगर आप एक ट्रैवल एजेंट हैं तो भी आप हमारे से वीज़ा प्रोसेसिंग करा सकते हैं। वीज़ा फाइलिंग के फॉर्म्स, ट्रैवल की आइटनरीज, होटल बुकिंग्स और फ्लाइट सब कुछ हम आपको ईमेल के थ्रू ऑनलाइन भेज देंगे। वही बुकिंग्स और वही डॉक्यूमेंट्स आप अपने कस्टमर्स को दे सकते हैं। जो भी वीज़ा रिलेटेड कंसल्टेशन चाहिए आपको, मेरा स्टाफ पूरी हेल्प करेगा। और अगर आप चाहते हैं कि आपके ट्रैवल बिजनेस की भी एक ऑनलाइन वेबसाइट हो जहां से आपका कस्टमर बुक कर सके और आपकी पेमेंट डायरेक्टली आपके बैंक अकाउंट में आ जाए, तो आप मेरी एक वीडियो चेक करें। लिंक उसका डिस्क्रिप्शन में और वीडियो के ऊपर लिखा है वेबसाइट फॉर ट्रैवल एजेंट्स। और अगर आप इस चैनल के पुराने व्यूअर हो और आपने इस चैनल को सब्सक्राइब किया हुआ है तो आपका दिल से शुक्रिया। आज इस चैनल के अराउंड 3,300 सब्सक्राइबर हो चुके हैं, आपका बहुत बहुत थैंक यू। और अगर आप नए हो और अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो बाद में आराम से सब्सक्राइब कर लेना, अपना ही चैनल है। थैंक यू। अपना और अपनों का ख्याल रखना।